आपके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, जिसमें कहा गया है ओपी राजभव को कि दगे हुए कारतूस है वो जी। क्या कहेंगे? देखिए, ये वर्ड हमारे नहीं है, ये वर्ड आप अगर टीवी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि 9 बजे के बाद इनके दोनों बेटे बैठ जाते हैं और ये अपने से बड़े लोगों की हैसियत नापते हैं, उनको ये कहते हैं कि तुम दगे हुए कारतूस हो। तो इन्हीं के शब्दों का चयन करके हमने इन्हीं को ये पहनाया है। अगर बात की जाए तो इस पोस्टर के बाद से कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, तमाम जगह इसका समर्थन मिल रहा है, कई जगह विरोध भी हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैंने अपना काम किया, अगर आप मेरे नेता का अपमान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी अपमान होगा, इसके लिए आप तैयार रहें। इससे पहले भी आपने पोस्टर लगाया है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी मैंने इनको प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, जिसका जो है कोई ठिकाना ना हो, जो आज यहाँ है कल वहाँ है। तो इसलिए हमने इस पे जो इनके खिलाफ जो है एक पोस्टर लगाया था, व्यक्तिगत रूप से लगाया था, उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं था, उसमें व्यक्तिगत तौर पे मैंने पोस्टर लगाया था इनको प्रतिबंधित किया जाए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। समाजवादी पार्टी के नेता तमाम कार्यकर्ता ओपी राजभव को लेकर टारगेटेड क्यों हैं? क्योंकि ये जो इनकी भाषा है, जो इनकी भाषा शैली है इनके दोनों बेटों की और इनकी, वो निश्चित तौर पे वो अक्षम्य है।